थिंक नेटवर्क अब स्टेबल हो गया है, इसलिए इतना समस्या नहीं आएगा। अभी आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज फटाफट, आवाज क्लियर है सबको? तो चैट बॉक्स बहुत इजी चला गया, चलो गुड। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। अभी हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी थी किसके साथ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिड्स, सबके साथ। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, मेटल्स में तो काफी सारे हमने देखे थे, ये बहुत छोटा है। ये छोटा क्यों है? ठीक है, आप देखो मेटल्स का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करना बहुत इजी होता है। क्यों होता है वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये मेटल और नॉन मेटल इतना अच्छा आपस में बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। अभी देखो हम रिएक्शन करें तो ऑक्सीजन के साथ, अभी ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है, तो मेटल से नॉन मेटल का रिएक्शन करना बहुत इजी होता है। क्यों होगा वो बाद में सीखेंगे। अभी नॉन मेटल का जब हम इनसे रिएक्शन करना सीखेंगे तो पॉइंट क्या होता है, नॉन मेटल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो दोनों का दोस्ती करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी वाटर का भी रिएक्शन करना मुश्किल होता है क्योंकि वाटर में से हाइड्रोजन का आयन निकलता था, उसमें हमें एक हाइड्रोजन उसको देते थे, एक उसको इलेक्ट्रॉन देते थे, तो हाइड्रोजन गैस बनता था। पर नॉन मेटल तो लेने वाला व्यक्ति, लेने वाला तो है, तो जो देगा नहीं तो हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, मुश्किल होता है, वो भी रिएक्शन नहीं होता है। एसिड में भी सेम ही होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा जब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किससे मिलेगा, मेटल से मिलेगा, नॉन मेटल तो देती नहीं है, इसलिए बोलेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करते थे ऑक्सीजन का तो कौन से ऑक्साइड्स बनते थे? ब्रेक हो रहा है बार बार, क्या कह रहे हो? कुछ शायद नेट का फ्लक्चुएशन, मेरे को लग रहा है कि नेट का फ्लक्चुएशन ज्यादा है। मैं एक बार इससे बात कर रहा, एक मिनट रुको, एक तरीका और देखता हूँ। अभी क्या आवाज आ रहा है? अभी बताओ मेरे को, अभी आवाज आ रहा है आपको? अभी चेक कीजिए, अभी चेक कीजिए। अच्छा इको हो रहा है, ओके इको को, अच्छा इको हो रहा है, ओके इको को बंद कर सकते हैं। अभी बताओ अभी भी इको हो रहा है? अभी बेटर है? अभी आवाज आ रही है आपको? यस, चलो ठीक है। चलिए आज क्लास हम दूसरे तरीके से लेते हैं, ठीक है, चलेगा। तो हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था, जब मेटल ऑक्सीजन का से रिएक्शन करते थे कौन से ऑक्साइड्स बनते थे? नॉर्मली बेसिक ऑक्साइड बनते थे, है ना, हमने पढ़ा था ना, बेसिक ऑक्साइड बनते थे। लेकिन जब एल्युमिनियम आता था तो एल्युमिनियम कैसी प्रॉपर्टी शो करता था? एल्युमिनियम और जिंक वो प्रॉपर्टी शो करता था, उसका जो ऑक्साइड बनता था वो एसिडिक भी होता था और वो बेसिक भी होता था। वो कभी एसिड की तरह बिहेव करता था, एसिड एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, तभी वो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता था। पर नॉन मेटल में क्लियर होता है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना, या तो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड या बनाएंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। जबकि मेटल्स में क्या होता था, मेनली जो बनते थे वो बनते थे बेसिक ऑक्साइड्स। ये हमको फर्स्ट चीज याद रखनी है, ठीक है। अभी देखो कार्बन जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2। सल्फर जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, SO2। हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, H2O। तो जो CO2 होता है और जो सल्फर ऑक्साइड होता है वो क्या होते हैं, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। पर जो H2O है पानी होता है, पानी न्यूट्रल होता है, तो वो ना तो एसिड है ना बेस है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब दीज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक नेचर क्या होता है, कोवेलेंट नेचर क्या होता है, ठीक है। तो आयनिक नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं,
दीज आर कोवेलेंट इन नेचर, मतलब कैसे फॉर्म होते हैं, दीज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मेटल्स में तो क्लियर होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक प्लस रहता है, वो क्या करता है इस प्लस को देना चाहता है, और नॉन मेटल क्या करता है इसको माइनस होता है, ये इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, इसका काम चल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं वो तो लेना चाहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी क्या चाहता है, उसके ऊपर एक ही है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव है, ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, पर ये देना नहीं चाहता, ये लेना चाहता है, और ये भी लेना चाहता है, दोनों कैसे चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए। हाइड्रोजन क्या चाहता है, मुझे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन क्या चाहता है, मुझे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये दोनों क्या करते हैं रूम शेयर कर लेते हैं, है ना। हमने शेयरिंग एकोमोडेशन देखा ना, कि हम क्या करते हैं जब दोस्त लोग कॉलेज के बाद पास आउट हो जाते हैं और अकेला घर नहीं ढूंढते, क्या करते हैं एक रूम लेते हैं, उसमें तीन चार लोग आपस में शेयरिंग करते हैं, वो रेंट भी शेयरिंग करते हैं और घर की सारी सर्विसेज शेयरिंग कर लेते हैं, कोई क्या करेगा, कोई झाड़ू पोछा करेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई कपड़े धोएगा, ऐसे सब क्या करते हैं, सब शेयरिंग कर लेते हैं। इसमें भी आवाज कट कट कर रहा है बच्चा, फिर तो नेटवर्क का इशू है, देखो फिर कहीं ना कहीं इंटरनेट का इशू बच्चा आज फिर। ओके क्या करें फिर, व्हाट शुड वी डू, अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है। यस चलो ये वापस उस मोबाइल से चेक करता हूँ, मैं दूसरे मोबाइल से नहीं तो कनेक्ट होता, एक मिनट रुको बस। यस वन सेकंड क्या सारा है? अभी बताइए कैसा आवाज, अभी ठीक है? यस ठीक है, यस अभी दूसरे मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया है, अब बेटर है। यस ओके चलो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, हम उसको ओवरलुक करके क्लास आगे बढ़े। यस तो आपको मैं वही बता रहा था कि हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और क्लोरीन को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अब क्या कर रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया, प्लीज चेक स्क्रीन शेयरिंग किया मैंने, सबको स्क्रीन दिख रहा ना? यस यस तो क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स, इसको कहते हैं कोवेलेंट नेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, दे फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिजोल्व इन वॉटर टू फॉर्म एसिड, तो आपके जो भी ऑक्साइड बनते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना, जब इसको वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो क्या बनेंगे, एसिड्स बनेंगे, एंड दीज एसिडिक ऑक्साइड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देंगे, रेड में चेंज कर, ये सिंपल सी बात, ठीक है। तो जब भी नॉन मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड, और कभी कभी क्या बनेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब है जब इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एसिड बन जाएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। और कुछ ऑक्साइड जो बनेंगे वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनेंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, या अब जिसको वाटर कहते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ये कुछ चीजें न्यूट्रल भी होंगी। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, मेटल्स में आपका सोडियम है, पोटेशियम है, क्या बना रहे थे, ये बेसिक ऑक्साइड बना रहा था। आपका एल्यूमिनियम और जिंक क्या बना रहा था, एमोफर्स ऑक्साइड बना रहा था, जो एसिडिक भी हो जो बेसिक भी है, ठीक है। आपका सिंपल रिएक्शन है, कार्बन किसके रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, CO2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4,
आउटर शेल में, अगर हम आउटर शेल की बात करते हैं चार इलेक्ट्रॉन, इसको चार चाहिए है ना, या तो इसको चार मिल जाए दूसरे से या चार अपने दे दे, तो कार्बन के लिए अपने चारों इलेक्ट्रॉन देना और लेना ये दोनों डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। ना तो चार देने में दिक्कत होती है ना, जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो दान करने बड़ा झिझकता है, भाई मैं दान नहीं देना चाहता, ठीक है, और किसी अमीर आदमी को भी दान देता भी नहीं, इसलिए इसको कोई चार देने को तैयार भी नहीं होता। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयरिंग करता है, ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो मैंने आपको ही कहा था, जब भी मेटल ऑक्साइड, जब भी आपके सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब भी आपके वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है, याद रखना। ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे, ये बताएगा भाई ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किस चीज, एनी डाउट टिल हियर, सबको क्लियर, फिर आगे चलेंगे। चलो वेरी गुड। सेकंड, सल्फर, सेम सल्फर नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बनेगा, SO2, क्या बनेगा, SO2, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फर ऑक्साइड। सबको दिखाई दे रहा है यहां पर SO2 गैस। अब मुझे बताओ, जब सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर में आप जब डिसॉल्व करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, गिव मी द फॉर्मूला, ऊपर से आप रेफरेंस ले सकते हो। जब सल्फर डाइऑक्साइड और आप वाटर का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, H2SO3। वेरी गुड अमित, एकदम सही बात, जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, H2SO3 एक्वस सॉल्यूशन, एकदम सही बात। आपके दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और आपके तीन ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा आपका, सल्फरस ऑक्साइड एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अलग होता है, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें और इसमें ये क्या बनेगा आपका, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, इसे अपने को एक ऑक्सीजन और ऐड करना पड़ेगा तब ये सल्फ्यूरिक एसिड बने, ठीक है, ओके। तो ये भी क्या करेगा, ब्लू पेपर को लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज कर देगा। अब नॉर्मली लेबोरेटरी में आप इसको टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, आप इसको लैब में भी आप ट्राई कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सल्फर लेना है, ये स्पून स्पेशल टाइप की स्पून होती है, इसको आपको बर्न करना है। जिसको बर्निंग करना स्टार्ट करोगे थोड़ी देर में सल्फर बर्न होना स्टार्ट हो, एकदम नहीं जलेगा, थोड़ी देर उसको लगेगी बर्न होने के लिए। जैसे ही बर्न होना स्टार्ट होता है उसको ऐसे ग्लास जार में उसको ले आओ चम्मच के साथ में, और थोड़ी देर में सल्फर पूरा बर्न हो जाएगा, और इस लेड को ढक्के रखो, जैसे हम घर में कुकिंग करते हैं ना, वो हल्का सा ढक्कन थोड़ा सा खोल के रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में क्या होगा, आपका पूरा सल्फर बर्न हो जाएगा, इसके अंदर आपका SO2 गैस रहेगा, ठीक। अब क्या करना, इसमें थोड़ा सा इसको साइड में खोलना, इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर H2O, इसको हल्का सा शेक करना। जब इसको शेक करोगे तो क्या होगा, आपका बन जाएगा H2SO3। अब इसका चेक करना, इसका नेचर कैसा है, तो सेम वही, दो लिटमस पेपर लो, एक कौन से वाला, एक ब्लू ले लो और एक रेड ले लो, आप इसको ट्राई कर सकते आराम से। तो ब्लू पेपर को क्या करेगा, ये रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना ये क्वेश्चन आपको बताया था, पूछा गया था कई बार, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, याद रखना, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी एक्ट नहीं करता। वाई बता सकते हो आप लोग, क्यों, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका कलर चेंज नहीं होता, एनी रीजन, लिखा हुआ देखो यहां, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डज नॉट कंटेन इन आयंस, नहीं, रीजन आपको पता लगेगा। द सॉल्यूशन ऑफ SO2 गैस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग इवन ड्राई लिटमस पेपर, कर सकते हो, उसके लिए करना क्या है, ठीक है।
बिकॉज द गैस इज ऑलरेडी डिजॉल्व इन वॉटर. अगर केवल SO2 गैस होगी, अगर केवल SO2 गैस होगी, आप अगर ड्राई पेपर यूज करोगे कुछ नहीं, अगर SO2 गैस होगी और वेट पेपर होगा, वेट पेपर का मतलब क्या है, हाइड्रोजन होगा ना, मतलब वाटर होगा आपका. वेट पेपर कब होता है, जब उसमें वाटर कंटेंट होगा. वाटर होने से क्या होगा, इसमें जब वाटर ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है आपका, बन जाता है H2SO3, तभी एसिडिक फॉर्म में आया जाता है. इसलिए कभी आपसे क्वेश्चन, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ड्राई लिटमस पेपर पर रिएक्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पर वाटर नहीं है, एकदम ड्राई पेपर है ना, नो वाटर. तो जब पानी नहीं होगा तो उसको सल्फोरस एसिड में कैसे चेंज करेगा, ठीक है, याद रखना. ठीक है, फॉर द टेस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली वी हैव टू यूज ए मोइस्ट लिटमस पेपर या वेट लिटमस पेपर. तो दो तरह के पेपर होते हैं, ड्राई लिटमस पेपर होता है और वेट होता है. ठीक है, द मोइस्ट लिटमस पेपर कंटेन्स सम वाटर विच डिजॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बीइंग यूज्ड टू फॉर्म द एसिड. क्लियर है पॉइंट, किसी को किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हो अभी भी. क्लियर है पार्ट. अगर एसिड होगा आपका H2SO3, तब आप ड्राई पेपर यूज कर सकते हो, तब आप ड्राई पेपर यूज कर सकते हो. लेकिन अगर SO2 गैस होगा तो आपको वेट पेपर यूज करना पड़ेगा. व्हाई, वेट पेपर में वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट मतलब H2O है, वो क्या करेगा, इसको पहले एसिड बनाएगा, तब बाद में वो एसिड आपको बताएगा भाई मैं एसिड हूं या नहीं हूं. क्लियर ना, चलो आगे चलते हैं. दीज एसिडिक ऑक्साइड आर कॉल्ड एज, इनको कभी कभी एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं. जब फ्यूचर क्लासेस में आप जाओगे तो टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज होती जाएगी. बेसिक अभी हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड ऑक्साइड्स. प्योर टेक्निकल भाषा में कहेंगे उसको क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, ऐसे आपका फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, वो जब ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, P2O5, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड. ठीक है, चलो अब अभी हमने पढ़ लिया जब नॉन मेटल एसिडिक होते हैं. अब नॉन मेटल कुछ न्यूट्रल भी होते हैं. ठीक है, कुछ नॉन मेटल कैसे होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं. कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं आपको याद रखना है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाटर H2O, नाइट्रोजन मोनोक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड NO और N2O. ये जो चारों हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं. इसके ऊपर ब्लू पेपर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्लू पेपर लिया हो चाहे रेड लिटमस पेपर लिया हो. कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन आपको देंगे और आपसे पूछेंगे भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको किसी भी पेपर पे रिएक्ट नहीं करेगा. रिएक्ट नहीं करेगा मतलब क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल ऑक्साइड होना चाहिए. तो ये चारों नाम याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. ये किसी भी लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं करते, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं. ठीक है, बाकी नीचे इसका रिएक्शन दिया है. जब हम कार्बन को इनसफिशियंट सप्लाई सप्लाई करते हैं, इनसफिशियंट सप्लाई का मतलब है आप बहुत सारा कार्बन ले लो और थोड़ी सी आग जलाओ. ठीक है, ये मतलब हुआ ना, बहुत सारा कार्बन ले लिया, कार्बन यहाँ ज्यादा इनकम पड़ेगा उसको जलाने के लिए, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड. जब बंद कमरे में अगर कोयला जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अगर आप इसको पानी के साथ मिलाओगे, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर एसिड नहीं बनता, याद रखना. तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये चार आपको ऑक्साइड्स दे देंगे और पूछेंगे भाई इसमें से कौन सा एसिड नहीं बनाएगा वाटर के साथ. ठीक है, उसका आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, वाटर बनता है. इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, तो लास्ट में भी सेम नोट है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो चीज होती है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जितनी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें जो होता है वो शेयरिंग होता है. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड. किसी को कोई डाउट यहाँ तक, तो यहाँ पर आपका नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ खत्म होता है. बहुत छोटी छोटी है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं. आपके नॉन मेटल्स कम होते हैं ना, आपके नॉन मेटल 122 है, उसमें तो 10 आपकी गैसेस है.
ठीक है, कई, और 11 आपके सॉलिड है और आपका एक मर, एक वो है ब्रोमीन आपका लिक्विड है। चलिए अब वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है वो देखिए। ठीक है, द नॉन मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो समझो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं होगी, एकदम क्लियर है ना। नॉन मेटल कभी भी किसी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था मेटल्स में जब भी वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्शन होता था वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती थी। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब हाइड्रोजन को आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सप्लाई करोगे तो क्या बनाता है, हीलियम बना देता है। ठीक है, तो गैस बन जाता है, हाइड्रोजन गैस आपका बन जाता है जो इवॉल्व होता है। पर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये एकदम क्लियर याद रखना, नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो हाइड्रोजन जो आयन था वो बनेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन गैस वैसी नहीं बनेगी। सेम चीज आपका एसिड्स के साथ होता है, सेम चीज, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहां पर भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि जो भी एसिड्स होते हैं HCl हो या H2SO4 हो, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल नहीं सकती। इसका रीजन भी सेम वही है, इसका रीजन सेम वही है कि भाई इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा, ठीक है ना। व्हाई नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बिकॉज क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इसलिए हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती ही नहीं। क्योंकि आपके नॉन मेटल क्या होते हैं, दीज आर एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनर नहीं होते, ये केवल लेना जानते देना नहीं जानते, ये शेयरिंग कर सकते हैं पर देते नहीं है। तो आपकी लाइफ में ऐसे कई दोस्त होंगे, आप उनसे मांगोगे तो कभी देंगे नहीं आपको, बट बोलेंगे शेयरिंग कर लो, तो आपको उनके साथ शेयरिंग ही करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए नॉन मेटल्स ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना आपके एसिड के साथ कोई रिएक्शन करते, याद रखना। ठीक है, चलो अभी आपको ये भी याद रखना है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, जिस तरह मैं मेटल्स में एक सीरीज याद किया था, तो नॉन मेटल की काफी छोटी है, आपको ये 5-6 नाम याद करने हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव आपका फ्लोरीन होता है, उसके उससे कम क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर आपका सल्फर, आपका फॉस्फोरस। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट टिल हियर। नो डाउट, यस। अब जैसे जैसे मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज था, वैसे नॉन मेटल में भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है। ये हमको क्या हेल्प करेगा, हमने देखा था ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता था, क्यों डिस्प्लेस करता था, क्योंकि एक ज्यादा रिएक्टिव था दूसरा कम रिएक्टिव था, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला। सर वाई सर, एनी ट्रिक टू लर्न दिस वन लाइक मेटल्स, चलो बताऊंगा आपको मैं, पहले इसको सिर्फ लिख लो, मैं आपको ट्रिक सोच के बताता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो नॉन मेटल्स में क्या था, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स था, सर इन द बुक द आईडी इज मोर रिएक्टिव मेटल, कौन सी बुक की बात हुआ, कौन सा भाई, मैं मेटल्स की नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, आप मेटल्स की बात मत करो, नॉन मेटल की बात। सर जस्ट जॉइन द क्लास, आई वाज हैविंग सेवन, ओके कुड यू रिवाइज व्हाट यू डिड, नहीं बेटा आर्यन आप क्लास रिकॉर्डिंग देखना आराम से, आधा घंटा हो गया क्लास स्टार्ट हुए भाई, ठीक है आप रिकॉर्डिंग चेक करना, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा पर आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, यस। ठीक है, तो देखो हम मेटल्स में क्या पढ़ते थे, हाईली रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता था, यहां भी यही होता है। ठीक है, तो जब मेटल्स सॉल्ट रिएक्शन करते हैं, जब मेटल्स क्या करते हैं सॉल्ट रिएक्शन, जैसे NaCl आपका, NaCl में क्या है, ये मेटल है आपका, ये आपका नॉन मेटल है, तो जब आप इसको रिएक्शन किससे करा रहे हो, क्लोरीन के साथ करा रहे हो, Cl2 के साथ, अच्छा सॉरी ये सोडियम ब्रोमाइड ले। ठीक है, तो अब सोडियम ब्रोमाइड की आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब देखो सोडियम क्या है, मेटल, ब्रोमाइड क्या था, नॉन मेटल। अब रिएक्टिव सीरीज में आपका क्लोरीन ऊपर आता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को किक मारेगा, उसको आउट कर देगा। क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को किक मारेगा, उसको आउट कर देगा। तो यहां पर आपका सोडियम ब्रोमाइड की जगह क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और आपका ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। तो वही सेम बात है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। आपको कोई भी ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, अगर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लोअर नॉन रिएक्टिव मेटल को आउट कर दे। ठीक है, इतना इसमें रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कंपोनेंट है नहीं क्योंकि, ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा रिएक्शन होगा, क्योंकि कंपोनेंट काफी कम बनते हैं, तो
बस ये आपको अगर एक्टिविटी सीरीज याद है कि कौन रिएक्शन में ऊपर है कौन नीचे है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा हो तो NaCl plus Br क्या रिएक्शन होगा? NaCl plus Br, what is the reaction? वेरी गुड यार, Na2O plus Br को चेंज होगा वापस, सर Cl2 क्यों लिखते हैं जबकि Cl की वैलेंसी वन होती है? वेरी गुड, कैन यू प्लीज टेल व्हाई देयर इज नो चेंज? अथर्व इसलिए चेंज नहीं होगा, अभी आपको मैंने बताया ना अथर्व, अच्छा इसलिए चेंज नहीं होता, रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले? ब्रोमीन के मुकाबले। रिएक्टिव सीरीज में ऊपर कौन है? ऑक्सीजन ऊपर, ब्रोमीन कहां पर है? नीचे। जो ज्यादा मजबूत बंदा होता है वो कमजोर को आराम से हरा सकता है ना। हाँ, कमजोर भी कभी कभी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कुश्ती खेलेंगे तो जो पतला है कई बार मोटे को हरा देता है, पर केमिकल्स में ऐसा नहीं होता। जो हायर रिएक्टिव होता है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, पर लोअर वाला हायर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आपका क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमिन, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया। और जो अमित ने प्रश्न पूछा है कि इसको Cl2 क्यों लिखते हैं, तो हम जब अमित जब हम ये आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे वहां पर तुमको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा जाता है। ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखते हैं, ये आपको वहां पर समझ में आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो हम सीखेंगे, ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, ठीक है? नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स, जैसे वहां पर मेटल क्लोराइड्स बनते थे यहाँ पर कोवेलेंट क्लोराइड्स बनते हैं, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना ये जो बनते हैं ना कैसे होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी जो भी कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है? ये जो नॉन मेटल क्लोराइड्स होते हैं ये या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, और इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, याद रखना, ठीक है? आपका हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन के साथ। क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे आपका फॉस्फोरस अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, नॉन मेटल से आपस में सब में शेयरिंग होती है, ठीक है? कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल विच रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ए कोवेलेंट क्लोराइड नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? चार, उसको चार चाहिए, तो क्लोरीन कितने लगेंगे? चार क्लोरीन लगेंगे, सिंपल सी बात है ना। कार्बन के पास कितने होते हैं? एक दो तीन चार आउटर शेल में, तो यहाँ पर एक क्लोरीन, एक दो 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 दो, इन दोनों का आपस में शेयरिंग हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा ऐसा। ये आपको शेयरिंग में सिखाऊंगा कैसे, इसको बोलते हैं कोवेलेंट शेयरिंग। इसलिए कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते सिर्फ शेयरिंग होती, ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मेटल क्लोराइड्स। उसी तरह आपके हाइड्रोजन के साथ कुछ रिएक्शन होती है सिंपल सिंपल, तो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड। वहां पर क्या बनाया? कोवेलेंट क्लोराइड्स, यहां पर क्या बना रहे? कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है? द नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो हाइड्रोजन आपका किससे रिएक्शन कर रहा है? सल्फर के साथ। क्या बनेगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है? इसकी स्मेल कैसी होती है? रोटन एग्स की जैसे, सड़े हुए एकदम अंडे जैसी इसकी स्मेल होती है, एकदम रोटन एग्स की जैसी इसकी स्मेल होती है। उसी तरह नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है? अमोनिया। इसके लिए आयरन जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है? तो नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल विच कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये बहुत छोटी छोटी रिएक्शन होती है, इसको हम आराम से याद कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया
NH3, हम बाद में NH3 भी पढ़ेंगे और बाद में NH4 भी पढ़ेंगे, ये भी हमारे आने वाला है थोड़े टाइम बाद, ठीक है। उससे आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा, वाटर हाइड्राइड H2, सेम चीज। कार्बन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, CH4। अभी ये रिएक्शन बाद में देगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मीथेन गैस, ठीक है। आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सेम वही क्लोरीन वाला रिएक्शन यहाँ पर दिया। तो इसमें कंपोनेंट बहुत कम होते हैं, नॉन मेटल्स काफी कम होते हैं, और क्योंकि और नॉन मेटल्स मेटल से रिएक्शन करते हैं, हमने सारी पढ़ ली। अब नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो काफी कम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, चाहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, क्लोरीन के साथ करो, हाइड्रोजन के साथ करो, यहाँ पर केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब होता है सिर्फ शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, केवल शेयरिंग करना होता है, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते। तो यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन विद नॉन मेटल खत्म होता है। ये हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप अगले टॉपिक पे मूव करें, ठीक है। तो मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम और जिंक एक्सेप्शन है उसमें, जो दोनों बिहेवियर शो करता है। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये हम क्यों रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आपको भी एक प्रोडक्ट दे दिया, उसने आपको एक एलिमेंट दे दिया, आपको बताना था पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने क्या देखा था भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे तो हम कह नहीं सकते थे कि मेटल होगा नॉन मेटल होगा, क्योंकि किसी मेटल में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी और किसी नॉन मेटल में मेटल की प्रॉपर्टी थी। तो हमने क्या डिसाइड किया था भाई, हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बता सकते हैं भाई वो मेटल होगा या नॉन मेटल। तो फर्स्ट खासियत क्या थी, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड। सेकेंड हम क्या चेक कर सकते, इसमें एकदम क्लियर का डिस्टिंगुइशन डिफरेंशिएशन है। मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन में से वाटर को निकाल सकते, मतलब वाटर में से हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते थे, ये हमने देखा था, बट नॉन मेटल ऐसा नहीं करते। इसलिए नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करते, मेटल आपके पानी के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि नॉन मेटल नहीं करते हैं। मेटल जो क्लोराइड्स का था उसको बोलते हैं आयनिक क्लोराइड्स, और अब आयनिक क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। जो मेटल के क्लोराइड होते हैं, मतलब मेटल्स प्लस क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं आयनिक क्लोराइड्स, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है। जबकि अगर नॉन मेटल होगा, उसने अगर क्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड बनाया है, वो कैसा रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। मेटल्स नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, कुछ एकदम बहुत रिएक्टिव होते तो ही कंबाइन करते, जबकि नॉन मेटल आपके हाइड्रोजन के साथ स्टेबल रिएक्शन करते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, हमें आपको कोई भी एलिमेंट मिल जाए तो हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बता सकते हैं कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट, कोई शक यहां तक पूछ सकते हो आप लोग। फिर हम 3-4 सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, आपको 4 चीजें दी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, और उसके सामने पक्का लिखना कि आप किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो कि ये मेटल होगा। हमको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे नहीं करना, हमको केवल केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे करना। ग्रेफाइट आपको दिया है, सोडियम दिया है, फॉस्फोरस दिया है, हीलियम दिया है, तो सबसे पहले बताओ मुझे इसमें से मेटल कौन से वाला है, नॉन मेटल कौन से वाला है, आपको उसमें लिखना है सर। ग्रेफाइट दिस, सोडियम दिस, फॉस्फोरस दिस, हीलियम दिस, आपको ऐसे लिखना है चारों का, लिखो फटाफट। ग्रेफाइट किसका फॉर्म होता है, कार्बन का फॉर्म होता है, याद रखना, आपको हिंट दे रहा हूं।
जानियो बेटा, एक साथ लिखो चारों का, एक एक करके मत लिखो, एक साथ लिखो चारों का। सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे, दो चार नहीं, सबका रिप्लाई आना चाहिए, तभी पता लगेगा आप लोग सीख पा रहे हो। ग्रेफाइट नॉन मेटल, सोडियम मेटल, फॉस्फरस नॉन मेटल, हीलियम नॉन मेटल और इनर्ट गैस जब उसको कह सकते हैं। वेरी गुड अखिलेश। फटाफट लिखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सबको, फटाफट एक एक करके मत लिखो दे बेटा। गुड सिद्धि, यस एकदम करेक्ट, यस। तो हमारा ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, हीलियम नॉन मेटल के अंडर आता है और उसको हम इनर्ट गैस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपने किस प्रॉपर्टी के बेस पे, है ना, विच प्रॉपर्टी, आपने कौन सी प्रॉपर्टी चूज की बताने के लिए। तो हम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, देखो इसमें एक मेटल है, बाकी सब क्या नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सबको दिखाई दे रहा है रीजन, जब ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो सोडियम के ऑक्साइड होंगे कैसे होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, और जो बाकी ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है। यस आपका रीजन मैंने देखो सामने लिया है, यस आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, द चॉइस मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख के बतानी होगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी के बेस पे सिलेक्ट किया है कि ये नेचर ऑफ इसका कैसा है। चलो सेकंड वन, सेकंड प्रॉब्लम, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड, ये नहीं बताया कौन सा ऑक्साइड है। अब ये क्या कर रहा है, इट डिजोल्व इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में डिजोल्व हो जाता है। और ये क्या करता है, ये जो ऑक्साइड हमने फॉर्म हुआ था, ये एक टर्न ए सोल्यूशन ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड पेपर को ब्लू कर देता है। तो आपको बताना है ये मेटल होगा या नॉन मेटल। तो इसमें आपको तीन हिंट दिए, फर्स्ट हिंट ये रेड को ब्लू कर देता है, फर्स्ट हिंट, सेकेंड हिंट ये एसिड में डिजोल्व हो जाता है, दो हिंट, दो हिंट है इसमें। ओके, कुछ ने कहा मेटल, मेटल अनुष्का ने मेटल, प्रशांत मेटल, कोई नॉन मेटल वाला नहीं, इट इज मेटल बिकॉज इट डिजोल्व HCl, किसी को नॉन मेटल नहीं लगा, मुझे तो नॉन मेटल लग रहा शायद। हाँ हमारे अमित ने नॉन मेटल लिखा है, और कोई है मेरे साथ नॉन मेटल वाला, मैं तो नॉन मेटल कह रहा हूँ कि नॉन मेटल है ना अमित, नॉन मेटल है नहीं, रेड पेपर को देखो ब्लू में चेंज कर रहा है। हाँ अमित तेरी पिटाई होने वाली है, ठीक है, तेरी होने वाली पिटाई, ब्लू पेपर को रेड में कौन चेंज करता है, एसिड चेंज करता है, और रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। हाँ एकदम सही बात, ब्लू को रेड में कौन चेंज कर, रेड मतलब खतरा है ना, पहचानने का तरीका कैसा है, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, एसिड होगा तभी तो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, पर बेसिक क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, ब्लू मतलब शांत कलर, तो बेस शांत होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते, बिल्कुल नहीं करते, नॉन मेटल प्लस एसिड रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती नॉन मेटल और एसिड, तो यहीं से हमको पता लग जाता है डिजोल्व नहीं हो रहा ना, एसिड का तो काम ही नहीं है, तो मेटल ही एसिड में डिजोल्व होते हैं, नॉन मेटल एसिड में डिजोल्व नहीं होते। कोई डाउट, कोई शक, क्लियर सबको, अंडरस्टूड, यस। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, आपको एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट बताओ ये मेटल नॉन मेटल, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अजीब सा, और उसमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है कि भाई आपका मेटल होगा या नॉन मेटल होगा।
आपके सामने आपका आंसर आ गया। चलो सिंपल प्रॉब्लम थ्री, इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा? इसमें से आपको चार चार एलिमेंट दिए हैं, SpCaSi। आपको नाम नहीं बताऊंगा कौन सा, आपको इनके एलिमेंट के नाम भी याद होने चाहिए, सिंबल्स के साथ आपको नाम याद होने चाहिए। इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड कौन बनता बनाता है? मेटल। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल। तो इसमें से कौन सा मेटल है आपको बताना है, बताइए इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा सॉरी, सी मैं मेरा स्क्रीन थोड़ा नीचे था ना सर, देखते सी ए कैल्शियम। तो एस है सल्फर, ठीक है, एस फोर सल्फर, पी फोर फॉस्फोरस, सी ए मतलब कैल्शियम और एस आई मतलब सिलिकॉन। एकदम सही बात। तो आपका कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम आपका मेटल है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। एकदम करेक्ट। अब आंसर भी सामने आ गया है, क्लियर सबको एकदम? मेटल होगा तो बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल होगा तो एसिडिक ऑक्साइड। चलो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट? तो एसिड में से हाइड्रोजन निकालना है, कौन निकाल पाता है? मेटल। एकदम करेक्ट, यस वेरी गुड वेरी गुड। आपका एस फॉर सल्फर, पी फॉर फॉस्फोरस, एन ए मतलब सोडियम, एस आई मतलब सिलिकॉन। एकदम करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, तो समझदार हो तो यार। चलो फिफ्थ वाला, सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो फिफ्थ वाला सोल्व करेंगे। प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर, प्रत्यूष ने क्या लिया? सल्फर पाउडर लिया, मतलब नॉन मेटल ले लिया। पहले उसने बता दिया नॉन मेटल है। उसने स्पैटुला, मतलब एक वो ना चम्मच, चम्मच को बोलते स्पैटुला, उसको हीट कर रहा उससे। ही कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व, सल्फर को उसने हीट किया किससे? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। पहले रिएक्शन आ गया आपकी एस प्लस ओ टू, क्या बन जाएगा? एस ओ टू। वट विल द रिएक्शन ऑफ द गैस ऑन दिस पेपर? तो ड्राई लिटमस पेपर का क्या होगा और मॉइस्ट लिटमस पेपर का क्या होगा, बताओ फटाफट। लिटमस पेपर पे रिएक्शन कौन सा होगा और मोस्ट मोइस्ट लिटमस पेपर क्या रिएक्शन होगा? अभी हमने डिस्कस किया, देखो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बाहर का भी नहीं है, एनसीईआरटी का। नो चेंज फॉर ड्राई लिटमस पेपर, वेरी गुड, एकदम सही बात। जो SO2 गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, वो लिटमस ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, जबकि मोइस्ट पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। यस अंडरस्टूड सबको? तो यहां पर आपके रिएक्शन सारे खत्म होते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या अभी तक यहां तक जो पढ़ा है हमने उसमें किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते। ऑल क्लियर तो सब प्लीज प्रेस वन, अगर सबको एकदम क्लियर तो प्रेस वन करो फटाफट। चलो गुड, अब हम फटाफट पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक इसको रिपीट करने का जरूरत नहीं रहेगा। ये आपको मैंने जब स्टार्टिंग में मेटल्स और नॉन मेटल के आपको मैंने प्रॉपर्टीज समझाए थे, तब मैंने आपको समझाए थे। फिर भी आप इसको एक एक मेटल के साथ आप यूज कर देख सकते हो, कौन सा मेटल कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ठीक है? फटाफट एक बार रिविजन ले लेते हैं। कॉपर अल्मोनियम कहाँ पर यूज होता है? वायर बनाने के लिए काम होता है, सिंपल सी बात। क्यों? वेरी लो रेजिस्टेंस होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके आयरन कॉपर एबोलियम किस लिए होते हैं? यूटेंसिल्स बनाने में और फैक्ट्री आइटम्स बनाने में। आयरन ओर का ही यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस बनती थी ना, सर्विस डायग्राम कम इन एग्जाम। कौन से डायग्राम की बात करो माय डियर कल्पेश? अभी पढ़ाई करो, एग्जाम की बात क्लास के एंड में पूछना, ठीक है? जिंक, जिंक का काम कहाँ, जिंक कहाँ पर यूज करते हैं? गैल्वेनाइजिंग आयरन
टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, कि जो लोहा होता है उसको जंग ना लगे, इसके लिए उसको एक टाइप का पेंट किया जाता है, वहां पर जिंक आपको हेल्प करता है। क्रोमियम और निकल मेटल्स कहाँ पर यूज होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, है ना, किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो लेयर लगती है उसमें यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। और ये एलॉयज भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में इनका काम आता है। एल्युमिनियम फॉयल कहाँ पर यूज होती है, फूड पैकेजिंग में, मेडिसिन का जो ऊपर का पेपर रैप होता है उसको बनाने में, सिगरेट का जो ऊपर का रैप होता है उसको बनाने में, सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी बनाने में, है ना, खाने को डेकोरेट करने में, स्वीट्स को डेकोरेशन में काम आता है। मरकरी कहाँ काम आता है, थर्मामीटर में काम आता है आपका। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम कहाँ यूज होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में काम आते हैं, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में काम आते हैं। जिरकोनियम कहाँ यूज होता है, बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स। लेड कहाँ पर काम आता है, जो हमारी बैटरीज होती है, कार की बैटरी है, इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, यहाँ पर आपका लेड काम आता है। तो आपका हर मेटल कहीं ना कहीं देखो यूज होता है। ऐसी नॉन मेटल आपके यूज होते हैं, आपका हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, वो जो लिक्विड ऑयल होता है उसको सेमी सॉलिड ऑयल में जब कन्वर्ट करते हैं इसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, जो अपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। हाइड्रोजन और कहाँ यूज होता है, अमोनिया गैस बनाने में यूज होता है, बाद में फर्टिलाइजर बनता है इससे। लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। कार्बन तो बहुत जगह यूज होता है, चाहे ग्रेफाइट हो चाहे कुछ भी हो, बहुत जगह यूज होता है। नाइट्रोजन कहाँ पर यूज होता है, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज होता है प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, क्योंकि इनर्ट नेचर होता है इसका, जल्दी रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। और कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होते हैं। सल्फर कहाँ यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, गन पाउडर बनाने में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ करने में। तो आपका हर कोई मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, कहीं ना कहीं सब ये यूज होते ही होते हैं। कोई डाउट, कोई शक यहाँ पर? फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जब मेटल्स और नॉन मेटल, अभी हमने देखा रिएक्शन करते हैं, है ना, अभी मेटल्स की हमने रिएक्शन देख लिया, हमने नॉन मेटल्स का रिएक्शन देख लिया, अब पढ़ेंगे भाई ये रिएक्शन करते क्यों है, है ना। लॉजिक होता है ना, जैसे आपने पूछा था भाई ये होता है कि दोस्ती क्यों होती है ना। कभी देखो तो दोस्त, दो भाइयों में दोस्ती बहुत कम होती है, दो फ्रेंड्स में दोस्ती होती है। वल्कनाइजेशन समृद्धि एक प्रोसेस होता है रबड़ का। देखो दो भाइयों में कई बार इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती जितने दो दोस्तों में दोस्ती होती है ना। और खासकर दो लोग ऐसे हो जिनमें ज्यादा चीजें ना मिले, उनमें दोस्ती बहुत अच्छी होती। सेम वही लॉजिक यहां पर भी काम आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में दोस्ती बहुत अच्छी होती, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब लॉजिकली समझो, मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो देने में बिलीव करता है, मैं दे देता हूं, तो उसके ऊपर कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन। नॉन मेटल्स लेने में बिलीव करते हैं, तो जब इस संसार में कोई देने वाला होगा तभी कोई लेने वाला होगा। अगर सबके पास दबा के पैसा है तो सोचो वो सुखी नहीं हो सकते, वो एक दूसरे ईर्षा करेंगे। ये नेचर होता है, नेचर है ना, प्रकृति का नेचर ऐसे होता है। अगर सब अमीर हो तो सबको एक दूसरे पता है कि ये जलसी होगा, यार ये इतना अमीर है वो इतना अमीर है ना, तो वो डिफरेंशिएशन क्रिएट होना बहुत जरूरी है, तभी लोग आपस में काम कर पाए। अगर सारे मालिक बन जाए तो काम कौन करेगा, है ना, और सारी नौकरी करेंगे तो उनको मैनेज कौन करेगा, लॉजिक है, ठीक है। अगर पापा घर का काम करेंगे तो मम्मी क्या करेगी, और माँ पापा अगर पापा बाहर का काम करेंगे तो माँ घर के काम कौन करेगा, अगर माँ बाहर का काम करेगी तो पापा घर का काम कौन करेगा, है ना। तो हर एक का रोल है। तो उसी तरह मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट कर, क्यों रिएक्ट करते हैं, इनका नेचर है, अब उसको समझेंगे, ठीक है। अब जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़ी भाई, मेटल्स रिएक्ट होते हैं, नॉन मेटल भी रिएक्ट करते, क्यों करते, ठीक है, अब ध्यान से सुनते चला, इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा है, ठीक है, एक एक चीज पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो वेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स उसको कहते हैं आयनिक बाउंडिंग, आयनिक कंपाउंड्स। इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, सिर्फ नाम याद करते चलो, ठीक है। तो जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। याद रखना, मेटल प्लस नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड्स, और मेटल प्लस नॉन मेटल और मेटल तो रिएक्ट करते नहीं, देखो है ना, तीन चीज याद रखना, मेटल का
नॉन मेटल से रिएक्शन होता है? यस, नॉन मेटल का नॉन मेटल से होता है, यस, बट मेटल का मेटल से नहीं होता। तो दो ही तरह की आपकी रिएक्शन होती है, मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा और नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, पर मेटल मेटल आपस में रिएक्शन करते नहीं, याद रखना, ठीक है? तो मेटल्स डोंट रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है? अब आगे क्या होता है, व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड, ठीक है? जब आप किसी नई क्लास में जाते हो तो कुछ दिनों में आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, क्यों? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उनकी कुछ चीजें हमको अच्छी लगती हैं, उनमें नेगेटिव भी होता है, ऐसा नहीं कि सारे एकदम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होता है, ठीक है? कोई क्लास में एकदम मस्त वो कहे ना थोड़ा दादा टाइप का दोस्त भी हो, तब भी देखो उसके भी दोस्त बन जाते हैं, कि उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, हर चीज बुरी तो कुछ, मान लो 90% चीजें बुरी हैं, वो 10% चीज उसमें अच्छी होती, उसकी वजह से भी लोग उसको लाइक करते, ठीक है? तो जब भी दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको कई बार जस्ट बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड का मतलब भी होता है मिलना, जोड़ना एक दूसरे को, ठीक है? तो अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करें, ठीक है? अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, अनरिएक्टिव नेचर ऑफ नोबल गैस। मुझे क्लास में, तो आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो किसी से बातचीत नहीं करता, किसी की बात सुनता नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोलता, एकदम चुपचाप बैठा रहता है, क्या उसके फ्रेंड बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो पूरे साल भर हो गया उसने किसी से कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ बात की नहीं, क्या वो फ्रेंड बना सकता है? आप एक दिन कोशिश करोगे, दो दिन कोशिश करोगे, दो महीने कोशिश करोगे, चार महीने भी, आप साल भर भी कोशिश करोगे, क्योंकि फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशंस के लिए आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, गिव एंड टेक का रिलेशन होना जरूरी है। तो हमारी एलिमेंट्स में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्त कहलाने लायक नहीं होते, है ना? ना तो देते ना लेते हैं, दोस्तों में लेना देना चलता है, ठीक है? उसी तरह हमारे एलिमेंट्स में भी कुछ ऐसे खास दोस्त होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नोबल गेस्ट्स, जो किसी से कोई लेना देना नहीं, भाई उसके पप्पा के पास सब कुछ है, उसको पेंसिल नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है। ये नोबल गैसेस वही होते हैं जिसको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ये टोटली अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी से कुछ लेना देना नहीं, क्यों? इनके जो हमने बताया ना कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है? तो देर आर सम एलिमेंट्स इन द ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच डज नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। अब क्यों ऐसा होता है, इसमें कौन कौन आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये आपको याद रखनी, टोटली 6 हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, इनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है? अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप सब्जी लेने गए मार्केट में, ठीक है? आपने सब्जी वाले को कहा मुझे 1 किलो आलू दे दो, सिंपल सा एग्जांपल, तो आपने आपको आलू कैसे देता है, एक तरफ 1 kg का वेट रखता है और दूसरी तरफ क्या करता है, आलू रखना स्टार्ट करता है, और जब तक वो आपने एक आलू डाला, दो आलू डाला, उसमें आलू आप कब तक डालोगे, जब तक दोनों का वेट बैलेंस ना हो जाए, एग्री करते हो इस बात को? जब तक उसमें आलू एक तरफ अगर लेफ्ट लेफ्ट वाला झुका रहेगा आलू वाले जगह और वेट वाला ऊपर रहेगा, आप क्या करोगे, उसमें आलू डालते जाओगे डालते, और जब ज्यादा हो गया आप राइट साइड में वेट बढ़ा दोगे, भाई अब तुमको 1 किलो नीचे, आपको 2 किलो चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1 kg के ऊपर 1 kg का वेट और रख दोगे, उससे क्या होगा, आप क्या करने की कोशिश करो, आप बैलेंस करने की कोशिश करो, आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप बैलेंस करने की कोशिश करो। आप जब साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, आप देखो हाथ छोड़ के आप चलाने की कोशिश तो करते हो, सब लोग करते हो, हाँ ट्राई तो सब करते हैं ना, कई बार हम स्कूटी हाथ छोड़ के चलाते हैं, कई बार हम बाइक भी हाथ छोड़ के चलाते हैं, साइकिल तो एकदम आराम से डिग्री से निकले स्कूल तक अपन हाथ नहीं लगाएंगे, साइकिल चलेगी चलेगी, कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंट कैसे आता अपने ऊपर कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तभी मेरी साइकिल चलेगी, बैलेंस करता। तो इस प्रकृति का नेचर कैसा होता है, हर कोई अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है? इस प्रकृति का नेचर कैसा है, हर कोई अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। अब जो इनर्ट गैसेज होते हैं या नोबल गैसेज होती हैं, ये अपनी एकदम बैलेंस्ड होती है। ये बैलेंस क्यों होती है, देखो हमने ये सब सेल्स पढ़ी, नाइन्थ क्लास में सबने पढ़ा था ना, के शेल, एल, एम, एन, ये हमारी सब आउटर शेल्स होती थी, है ना?
के शेल के आउटर शेल में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दो आ सकते थे। के एल में कितने आते, मैक्सिमम आठ आते थे। एम ए मैक्सिमम कितने आते थे, आठ आते थे। तो अब कहीं ना कहीं जब इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं और इनका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं, देखेंगे हीलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो इसकी एक ही शेल होती है, ठीक है। इस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, ये सेटिस्फाइड है, इसको ना तो लेना ना देना। नियोन के एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, आउटर शेल में कितने, 8, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो ना तो इसको लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत। ये सबके साथ है, ऑर्गन के साथ, क्रिप्टॉन के साथ, जीनोन के साथ, रेडोन के साथ। तो इनके आउटर शेल में सब एकदम कंप्लीट है, इनको तो ना तो लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत। इसके वजह से क्या होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम डोंट टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेट गैस में क्या होता है, इनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कंप्लीट होते हैं, इनको लेना देना नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है, नोबल गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ये स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल होता है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। इसकी वजह से होता है इनर्ट गैसेस क्या होती है, स्टेबल होती है, ये रिएक्शन नहीं करती। अब देखो मेटल नॉन मेटल में क्या होता है, मेटल के पास 1, 2, 3 उछलते रहते इलेक्ट्रॉन, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। और नॉन मेटल में क्या होता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इसका मतलब ना तो मेटल स्टेबल है ना नॉन मेटल स्टेबल है। अब दोनों क्या चाहिए, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए। मेटल को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, जैसे मेरी जेब में ऊपर पैसे ज्यादा हो तो मैं भागूं तो पैसे छलक के बाहर गिर जाएंगे, तो जब तक वो पैसे ज्यादा हाथ में होते हैं वो निकल जाते, तो मेरे को जब पैसे निकल गए शांति आ गई, अरे चलो पैसा निकल गया। और जिसका पैसा नहीं हो तो उसको पैसा मिल गया तो क्या वो स्टेबल है, हाँ भैया थोड़ा पैसा अपने पास। तो मेटल्स को शांति मिलती है इलेक्ट्रॉन देके, और नॉन मेटल को शांति मिलती है इलेक्ट्रॉन लेके। ये लेने देने से क्या होता है, ये लेने देने से क्या होता है, ये लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते। अब देखो जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, उसका कॉन्फिगरेशन कैसा होता है, 2, 8, 1, उसका 8 एक एक्स्ट्रा है। अगर 8 मैंने किसी और को दे दिया मां, अब कितना हो गया, 2, 8। अब 2, 8 किसके बराबर है, नियोन के बराबर। अब नियोन तो स्टेबल एकदम, तो अब क्या होता है, ये सोडियम अपना एक दे के रिलैक्स हो जाता है, वो अपना कॉन्फिगरेशन कैसा कर लेता है, नियोन जैसा कर लेता है। अब नियोन एकदम स्टेबल है तो एकदम वो स्टेबल हो जाता है। आया समझ में मेरी बात, अंडरस्टूड। ये मेटल नॉन मेटल क्यों रिएक्ट करते हैं, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्ट करते हैं। तो जब तक इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक ये रिएक्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते। चलो गुड, एकदम ऐसे सर, व्हाई डोंट वी यूज हीलियम एंड अदर नोबल गैसेस इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन टू प्रिजर्व फूड, इट विल रिएक्ट विद द हीट। हाँ बेटा, इसका भी कोई ना कोई रीजन पक्का होगा कि भाई ये उसी में, ये जब इनर्ट होते तब क्यों क्यों नहीं यूज करते, इसका रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है कि इनर्ट गैसेस क्यों नहीं यूज करते। देखो एक तो बच्चा, एक सिंपल रीजन मेरे को समझ में क्या आता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल गैस है, एग्री, बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल गैस, इसके आप उसको यूज कर सकते, जो रीजन मुझे समझ में आता है। हो सकता है इसका कोई केमिकल रीजन भी हो सकता है इसका कोई केमिकल रीजन भी हो, तो हम जब डिटेल्स में एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, अभी तो हम इसे ऊपर ऊपर देख रहे हैं भाई, ये इनर्ट गैसेस है। अब देखो जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये आपकी कहाँ पर काम आती है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके डिटेल में हम जम जाएंगे। आपका हीलियम कहाँ पर यूज होता है, जब आपके हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, तो ये आपके ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए वहां पर यूज नहीं होता। तो हमको कई सारे अदर फैक्टर्स भी देखने, ठीक है प्रार्थना बच्चा, ओके, यस। चलो तो ये आपको मैंने बता दिया है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमको स्टेबिलिटी मिलनी बहुत जरूरी, ये सब वहां पर वही लिखा हुआ है जो आपको मैंने समझा दिया है, यस, वही सेम चीज। फोर आइटम्स, स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ए इनर्ट गैस, चाहे आपका मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा लेके आने की कोशिश करते हैं, इनर्ट गैस जैसा। जब इनर्ट गैस जैसा आ जाता है वो स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। तो एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब ये तीन तरीके से होता है,
ठीक है, अब इसमें भी होने में तीन चीज होती है, ठीक है, कौन सा? एक तरीका कैसा है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स हमको स्टेबिलिटी कब आएगी, या तो मैं कुछ दे दूं या मैं कुछ ले लूं बाय गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन, और थर्ड मैं शेयरिंग कर लूं। कार्बन है ना, कार्बन क्या करता है, ना तो देता ना लेता है, बोलता भाई जिसको आना शेयरिंग कर लो। तो ये तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, जब स्टेबिलिटी चाहिए आपको तीनों चीजें हैं, या तो दे दीजिए या गेन कर लीजिए या शेयरिंग कर लीजिए। तो हम तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ समय लगेगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एनायंस, यहां तक काफी आगे पढ़ा दूं, थोड़ा और क्या विचार है? कैटायंस एनायंस खत्म कर दूं, वैसे आपने पढ़ा हुआ है तो फटाफट हो जाएगा, फिर हम कल आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि कल हम आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ लेंगे। चलो, बहुत इजी टॉपिक्स का फटाफट ले लेते हैं, है ना? यस, चलो, यस। द केमिकल रिएक्शन इन विच इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज अचीव्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम टेक प्लेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आपके जो फर्स्ट दो केस है, ये जो स्टार्टिंग के आपके दो केस है ना, ये वाले दिस वन, ये आपके एक ही रिएक्शन में हो जाते, ये आपके कहां पर होते हैं, जहां पर आपके मेटल्स हो प्लस नॉन मेटल हो, मेटल दे देता है नॉन मेटल ले लेता है। लेकिन जो थर्ड वाला है, यहां पर केवल नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होता है जो आपस में शेयरिंग कर। तो गेनिंग और लूजिंग किस में होता है, मेटल्स और नॉन मेटल में होता है, ठीक है, और शेयरिंग किस में होता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, यहां पर वही लिखा, ठीक है। अब दो तरह के आयन फॉर्म होते हैं, एक कैटाइन्स फॉर्म होते हैं, दूसरे एनाइन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, यहां पर वही सेम चीज है, नोबल गैस या आपके मेटल्स है। सोडियम 11, आउटर शेल में कितना है, 1, एक दे सकता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ये दो दे सकता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ये तीन दे सकता है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, ये एक दे सकता है। कैल्शियम 2 दे सकता है। और ऐसे नॉन मेटल्स की बात करें तो इसके आउटर शेल में कितने, 3, इसको 3 और चाहिए। ऑक्सीजन के कितने, 6, इसको 2 चाहिए। फ्लोरीन को 1 चाहिए। फॉस्फोरस को भी 3 चाहिए। सल्फर को 2 चाहिए। क्लोरीन को 1 चाहिए। ये इनका नीड है, ठीक है। अभी दो चीज होती है, होता है कैटायंस, दूसरा होता है एनायंस, ठीक है। तो ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज नोन एज कैटायन, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यस यस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। अभी पॉजिटिव क्यों, हम सब ने क्या पढ़ा था, जो आपका बीच का न्यूक्लियस होता था, इसमें क्या था, प्रोटॉन्स थे, और इसमें क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे, और एक आउटर शेल होती थी, उसमें आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, सबको याद है, यस yes। अभी देखो, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमने सबने पढ़ा था, ठीक है। और हमने और क्या पढ़ा था 9th क्लास में, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमने पढ़ा था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नॉर्मल कंडीशन जब एक सोडियम एटम है, नॉर्मल कंडीशन में जब सोडियम एटम है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। अभी सोडियम को किस बात की जल्दी है, एक इलेक्ट्रॉन देने की बहुत जल्दी है, एक इलेक्ट्रॉन दे दू, एक इलेक्ट्रॉन दे दू, उससे क्या होता है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस वजह से सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na प्लस, Y नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको पर पॉजिटिव साइन आया। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, बाय रिमूवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो होता है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, जब आयन की फॉर्म में होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको सोडियम एटम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Na, अगर लिखा हो Na, इसका मतलब सोडियम एटम,
या इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं एन ए डॉट, डॉट यहां भी लगा देते हो कुछ तो, यहां कहीं भी एक जगह डॉट लगा, ठीक है। और अगर ऐसे लिखाओ एन ए प्लस, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखाओ एन ए, सिर्फ एन ए लिखाओ और ए एन ए प्लस लिखाओ, दोनों में फर्क है। इसको बोलते हैं सोडियम एटम, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। ये प्लस साइन इंडिकेट करता है, ये प्लस साइन क्या बताता है, भाई अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, सब क्या होते हैं, कैटाइन्स होते हैं, सबके ऊपर प्लस का साइन आता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन रहता है और अमोनियम NH4 इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। ये नॉन मेटल्स होते हैं बट स्टिल ये कैटाइन होते हैं, इसको हम आने वाले क्लासेस में भी समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे कैटाइन्स होते हैं, पर दो नॉन मेटल भी कैटाइन्स होते हैं, कौन से, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, ये एनुअल टाइम में पढ़ेंगे। तो जिस तरह कैटाइन्स है, दूसरे कौन से, एनाइन्स, इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सेम वही कहानी, ठीक है। अब क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, मतलब 7 प्रोटोन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहां पर प्लस 1 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स कम हो गए। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आया, तो ये क्या बन जाते हैं, एनाइंस बन जाते हैं। एग्री, कोई डाउट, कोई शक, क्लियर एकदम दोनों को, कि कैटाइंस के ऊपर प्लस साइन क्यों आता है, एनाइंस के ऊपर नेगेटिव साइन क्यों आता है। यस, वेरी गुड। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं एन ए प्लस एम जी 2 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस, सिंपल सी बात है। और उसके नॉन मेटल्स हम सेम ऐसे लिखते हैं, ओके। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन को कैसे लिखा जाता है, एन ए प्लस एक डॉट आ जाता है। मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे, एम जी 2 डॉट आएंगे, एक और 2। एल्युमिनियम को कैसे लिखेंगे, 3 डॉट, तो एक बार में 2 ही डॉट आते हैं, याद रखना, एक जगह 2 ही डॉट आते हैं, तीसरा डॉट यहां रख दो या कहीं और रख दो, ठीक है, अंडरस्टूड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन। इससे हम क्या समझ जाएंगे, भाई नाइट्रोजन सोडियम के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो दे सकता है। तो इससे वही सेम चीज है, ये नाइट्रोजन प्लस मैग्नीशियम एल्युमिनियम सोडियम पोटेशियम, ये बात ये आपको मैंने बता दी है। इससे आपका एनाइंस वाला हो गया सेम चीज। क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, Cl1। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, डबल डॉट। नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, 2 2 1, सेम चीज। इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते, देखो यहाँ पर आपका फ्लोरीन का दिया है, फ्लोरीन आपका है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। एनी डाउट, ये तो बहुत इजी, आई थिंक ये आप 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन में डाउट, आई थिंक 9th में था, वो रिपीट होके आया है क्योंकि 10th क्लास में सिलेबस में इतना नहीं है। ओके जी, नो डाउट। अभी हम कल पढ़ेंगे, कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसे कोई छुट्टी मारने की कोशिश मत करो, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। तो आपको ये रिएक्शन या फ्यूचर आप रिएक्शन वगैरह बनाओगे, ये आपको बहुत हेल्प करने आने वाले टाइम, ये शेयरिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये हम कल सब पढ़े, ठीक है। तो कल भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसे मैंने आज इतना ही लिया। एनी डाउट, कोई आज जो पढ़ाया यहाँ तक, किसी को भी है किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो
तुम्हारी क्लास की खासियत तो है यार, ये तो मैं मान गया तुम्हारी क्लास को सही में खासियत। संडे टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ, बोथ टेस्ट दोनों रहेंगे, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव भी होंगे, एसिड बेस सॉल्ट का आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, आपकी क्लास खासियत यह है, आप 6 बजे जब मैंने आप सबको देखा था 58 स्टूडेंट थे, अभी आप 58 ही हो। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपके अगर मार्क्स मिलते जाए आप प्लीज मेरे को भेजते रहिए, कल हम सेम टाइम पे कनेक्ट होंगे। सर एसएसटी स्टिल रिमेनिंग,